चौधरी साहब के यहाँ हमारे बीच में बैठे गाजीपुर की भी सारी योजना बनी हुई, तीन जिले मंडल पड़े यहाँ मुजफ्फरनगर सहारनपुर शामली, तीनों की व्यवस्था उस दिन परसों ही गाजीपुर बॉर्डर पर बन गई थी। 29 तारीख के लिए तीनों जिलों से आगे काम कर मरतों के बापू इसे दूसरे को गाल दे चरतों को और सुरतु बाबू चले थे वह खीर खुले खा रहे थी भरतो क्यों सुखी रहे थी खावा बलवा के अंदर इन नोली बेर माँ खीर खुले खावा भरतो रहे थे। एक ही ट्रेन था लखनऊ जा रही इस लाइन से, तो भाई उसे तो हम ही लाओ में भर गए तब मुझे फनगर वाले की छोड़ी दे दी होगा। तो मैं बने पापा जी अब न्याय के लिए हाथ जोड़ के अपील कर रही, उन्हें सस्पेंड होने चाहिए। जो अधिकारियों ने व्यवहार किया महिलाओं के साथ में, मेरे पे सबके रिकॉर्डिंग है, फुटेज है, फोटो है, सब के है, मारपीट करते हैं महिलाओं के साथ में, महिलाओं के कमरे तक फाड़े गए हमारी बहनों के, आज उन मुसलमान बहनों के कमरे फाड़े गए, कल हमारे कमरे फाड़े जाएंगे। उमेश मलिक की एक रिकॉर्डिंग में कह रहे हैं वो भी मेरे पास में है, मैं तो मुसलमानों के शुरू से ही खिलाफ हूँ, मैं असली जाट हूँ। अब ये भाई तीन प्रोग्राम है, 22 तारीख का, 26 का और 29 का, इसमें भी हम सबको बढ़ करके हिस्सा लेना। मैंने तो आते ही आशा करूँ आप सबने लिया और आगे भी आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लोगे, ये धक्का मार देगा रोड पंडित जी का। अरे टिकट लगाने था वो लगे जो सिफारिश के टिकट लगाने पूरी फंड के यूनियन लड़ लगी फिर तो भाई टिकट जो है जयंत चौधरी देगा उसकी गैर रहेगी। ये तो सबका संकल्प है, हिंदू मुसलमान सब गैर रहेंगे। तो मैं तो खुलता हरी बात राकेश टिकैत जी ने कह दिया कि सरकार दैनिक कल पत्रकार कह रहा था उससे कि आप उषा रहोगे, कहने हरा रहे तो पड़े रोड से ना जीत जा, तो इसका मतलब जीतेगी भाजपा। अरे जब हम संकल्प करेंगे, हम बहुत परेशान है, बहुत चिंतित है इसी उस तरह ये समाज कहां जाएगा। हमें तो बहुत कुछ करना था, ये गाजीपुर का जो आंदोलन चल रहा इस उसमें कितना ही वो हो रहा मामला, हमें तो बहुत सामाजिक काम भी इतने थे, चौहान साहब को पता, ठाकुर साहब को पता, कितने कितने काम करने थे जो समाज के है, जो एक इतिहास बनता बनाना खैर वो भी। पर आप लोग भाई भाई ठीक ठाक ही रहे लो, बस और नहीं कोई बात ज्यादा ना को सारी जगह का ध्यान आप लोगों को राख रहा, आप लोगों के कंधे पर बोझ है। एक का ब्याज में कीमती है कोई नूनी अकबर में पंडा छोड़ मेरा तो चल गया काम, मुझ तो चल गया 22 तारीख, 26 तारीख, 29 तारीख, 12 तारीख कह रहे हैं कि और बस ठीक है जी। बड़ी अच्छी तरह आप लोगों ने लोगों को सुना, मौन चौहान साहब मौन करवाऊंगे जो मारे जाता वंग का भी हमने पहले भी कहा था, आंदोलन को दिनचर्या का हिस्सा बनाओ, बहुत जरूरी है आंदोलन चलाना। पैसे के अभाव में, जन समूह के अभाव में अगर ये आंदोलन ढीला पड़े तो बहुत बड़ी भूल है, पैसे की भी सारे को जरूरत है। और हम भी 2-4 दिन की बात है, हम भी अपना वही डाल देंगे डेरा, मारे निबसता यहाँ तो तड़के का लगा कर सांझ लोग यही रहे जी, कुछ जाने वही जागे आदमी।
एक और बात, मैं जो गामू के रुक के रोले थोड़ा सा इनको भी काबू करूं, बड़ा नीचा देखना पड़ रहा। आंदोलन के साथ साथ आप लोग अपनी जो सामाजिकता है उन पर भी ध्यान देना, आप लोगों को सीख लग रही मिलन। ये आंदोलन, ये साल इतिहास के पन्नों पर अंकित होगा यू। कोई नुना सोचो भाई, इसमें कि मूर्ति वाले है जब बातचीत नहीं हुई, इतिहास के पन्नों पर होगा दर्ज। खास करके मुझे फरनगर की बात, करोड़ों यादमों की निगाह मुझे फरनगर पे है भाई, कुछ भी करो तो क्या मुझे फरनगर वाले यू लाना ना लो, यू लाना ना लो भाई। वनते आदमी कम जा रहे, सरकार के साथ में है, बहुत जबरदस्त सरकार की साथ में लड़ाई है, पर गुडलियों चल रही है सरकार, ये भी आप लोगों को बतावे। रान मरण लग रही इसकी, इनका कोई बस्ता थम्मन वाला नहीं पाएगा। उत्तर प्रदेश में चुनाव आ रहे, चौधरी नरेश के जिंदाबाद। हालांकि यार चुनावी सभा नहीं ना, हम कभी चुनाव का प्रचार करते, पर या दिन इस सरकार के ये दिन आ गए, या जो कर्मी सरकार ने कर रखी आप लोगों के साथ तो बहुत छल छंदा। बस यही है बात, एक तो ये गामू के रूप के रोड़े इन्हें बिल्कुल काबू में कर लो भाई। हम हर पंचायत में गए अपनी बात उल्टी हटानी सीख लो, जब दोनों तरफ पे मूछ तने जाके बात फिर क्या रहेगी भाई। हम और बिरादरी में चले जा, ये चौहान साहब ने तो कहा जाटू की बात कह रहे हैं बहुत बढ़िया ठीक है, खैर अपनी बुरियाई तो करी जाती है अपनी बिरादरी के भाई, ठीक बढ़िया ही है, पर हमें एक बतावे और बिरादरी में हमारे 98% फैसले मने, 2% की मने हो, और इन जाटू में 2% फैसले मने, 98 गिटार हो। नहीं यार मैं बिल्कुल हकीकत बता रहा, कोई नहीं सोच रहा हो, किसी भी फैसले में चले जाओ वन पे बिल्कुल निराशा हाथ लगे भाई, ऐसा ना करो ठीक है। थारे थारे फायदे की कहे हम एक कप चा में टिक्की चा में फैसला कर रहे थारा, हम तो मीठा भी नहीं पड़ते, और बस इसे इतना की मान लिया करो, जैसा हम बस चले गए मुझे कहता हम आगे थे दो चार आदमी भाई, अन्य हम नहीं मानना थे, अरे तेरी मूर्ति तो कहीं दूर मुंह ना करो, फैसले मान लो, आंदोलन का काम करो, खेती बाड़ी का अपना खेती बाड़ी का है, एक घंटा पहले इस जमीन पे आप लोगों का मोह भंग करना चाह रहे हैं, बिजली के बिल तो लगा के, गन्ने के पेमेंट पे, धान के उसते, गेहूं के उसते, अब थोड़ी थोड़ी जमीन है किसानों पे, जो जमीन का 4 लाख का रेट होगा ये आप लोगों को 6 लाख दे देंगे, और जो हमारी युवा पीढ़ी यही कह देंगे कहना दे दो जमीन, आप लोगों के बीच में बढ़ जाएंगे, जगह जगह टुकड़े टुकड़े में ले लेंगे, फिर लाल डोरा लगा देंगे, क्या तक का बैनामा नहीं कोई कर सकता। अगर आप लोगों को जमीन बेचने का खरीदने का अधिकार नहीं रहने का तो क्या करोगे आप लोग, इस बात को नहीं समझ रहे, कितने भाई मजाक में ले रहे इसे, इसे मजाक में ना लो, यह बिल्कुल हकीकत है। थारे पते माल का ना जो जमीन थारी है, थारे पते छीनने का वो कर लिया है, पैसे देंगे मोटे मोटे पैसे देंगे आपको, कहीं कुछ नहीं मिलेगा, फिर एक बार को तो आपको पैसा आता दिखेगा, जिस पर जिसके पास जमीन नहीं उसके क्या कदर है अभी आप लोग जानते होंगे। हम फिर भी यही कहे जाति मजहब को भुला के हमारे आपस के मन मुटाव भी है, वे भी लड़ते रहेंगे, हम सबसे पहले लड़ाई है, इस लड़ाई को जीतो, आप लोगों की गले की फांस बन रही है,
अगर आप लोग जन समूह के अभाव में बैठ गए तो जीत भी आप लोगों की बहुत कमजोरी है। पैसे के अभाव में यह आंदोलन ठप हो जीत भी कमजोरी है। 31 किलोमीटर लंबा सिंधु बॉर्डर का वो है आंदोलन, 32 किलोमीटर लंबा है और वहां कोई ढील नहीं पड़ रही, काम धंधा तो उनका भी होगा। आप लोग कोई वहां जाकर हमें बताता हुआ कि हम वहां गए थे, कोई एहसान नहीं कर रहे। कोई आदमी कहता होगा हम वहां चले गए और एहसान कुछ नहीं। यू किसान आज बारूद के ढेर पर बैठा और कुछ बीमा होगी आप लोगों की वहां रहेगी बातचीत, कदा कोई नू सोच रहा होगा नुनू बात है। और बस ज्यादा ना कहकर मैं फिर और पत्ता चढ़ जाएगा और भी ना, मतलब फिर बात हो गए ना भाई तो नुना वहां के। क्या उपलक्ष्य था इस मासिक पंचायत का और 22 का किस तरह से मूड है किसानों का महापंचायत का? नहीं, ये तो 17 तारीख की तो एक मासिक पंचायत हुई है, इसमें तो कोई नई तो है ही नहीं। और इसमें 22 तारीख, 26 तारीख, 29 तारीख, तो इसमें विचार विमर्श करा, लोगों को जिम्मेदारी सौंपी गई। किसान को आपने बारूद के ढेर पर बताया? हाँ, बारूद के ढेर पर किसान है आज। आज उनके सरकार की साथ में लड़ाई है, उनके अपनी फसल बचाने की लड़ाई है, उनके मान सम्मान बचाने की लड़ाई है। जगह जगह पुलिस प्रशासन का कितना गंदा रवैया हो रहा, तो इस तरह की बात ही हो रही। किसान के सामने दिक्कतों का अंबार लग रहा, किसान मजदूर सब दुखी है। आने वाला समय क्या होगा, क्या इसमें होगी बातचीत, तो इसके उसमें सोच विचार कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं। 22 नवंबर की महापंचायत किस तरह की महापंचायत लखनऊ में? लखनऊ की पंचायत लखनऊ की होती है। पहले कहा जाता था टैटू के जरिए कि लखनऊ में नहीं बढ़ने दिया जाएगा किसान, इस तरह से नहीं, ऐसी तो नींब का तो नहीं कोई ऐसी बात है सर, तू कहीं भी जा सके, किसान को क्या प्रतिबंध है, ऐसी कोई नहीं बात की। सब अपनी बात कहने का आते हैं, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री है हमारे, वहाँ से राजधानी है लखनऊ, तो अपनी जो समस्या है, अपनी स्टेट की जो दिक्कत है, वो कहीं जाके बिजली समस्या है, गन्ने का भुगतान किया है, गन्ने के रेट किए हैं, धान की खरीद की है, कितनी समस्या है। संसद पूंछ का भी जिक्र किया गया है, हमें तो थोड़े थोड़े आदमी जाएंगे, ज़्यादा नहीं।